Hello everyone, very good morning to all of you. So today, my dear students, I have again come up with this video. मैं फिर से ये video लेके आया हूँ, जहाँ पर ये बच्चे बार-बार एक-एक करके आते हैं मेरे पास और पूछते हैं सर कैसे English मजबूत करें, सर grammar में ये topic में कैसे पढ़ें, सर कौन सी किताब लें? तो phone calls आते हैं, messages आते हैं. तो चलिए मैंने सोचा कि ये जो morning batch के students हैं, इनसे मैं live पूछ लेता हूँ, सामने-सामने पूछ लेता हूँ कि इन लोगों को दिक्कत होती कहाँ है और इनको दिक्कत आती कहाँ है. चलिए जरा कौन बात करना चाहेगा मेरे से सबसे पहले? सर जैसे कि मैं सेंटेंस सही कहते हैं ओके, सेंटेंस में अरेंजमेंट करने में दिक्कत आती है. सेंटेंस अरेंजमेंट एक पूरा का पूरा टॉपिक है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरा जंबलिंग भी, उसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजिंग भी, उसी को रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं. तो मैं तो इसके लिए इस वीडियो में तो इतना लंबा आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट अभी rearranging, reordering of sentences grammar में पढ़ाना बाकी है. उसके rules होते हैं, noun से sentence start करना है या pronoun से sentence start करना है, so उसके बाद आपको थोड़ी मदद मिलेगी. Yes बेटा. Sir speaking में थोड़ा words को arrange करने के लिए ये question सबसे common question है. Thank you बेटा. सारे बच्चों के दिमाग में होगा, क्यों? क्योंकि भाई English speaking के लिए जब बच्चा आता है तो obvious ही बात है, उसको नहीं पता होता कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करके बात करें. आपको मैं एक ही तरीका बताऊंगा और अगर वो तरीका आपने कर लिया तो समझ लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे लंबे लंबे पैराग्राफ्स की रीडिंग लगाइए. लंबे पैराग्राफ्स, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर का सबसे जो फ्रंट पेज होता है उसकी रीडिंग लगाइए. दूसरी, उसके साथ साथ दूसरी चीज, इफ आई एम असाइनिंग एनी होमवर्क, अगर मैं कोई होमवर्क दे रहा हूं तो 24 घंटे पहले देता हूं होमवर्क, आप उस 24 घंटे में जी तोड़ जतन करिए. फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है हु इज मोर रिस्पांसिबल फॉर क्राइम, बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि अभी हम लोगों ने किया, मैंने देखा कुछ बच्चे केवल पॉइंट्स लिख के लाए लेकिन पढ़ा और रटा किसी ने नहीं. यू विल हैव टू मेमोराइज एट एनी कॉस्ट. यस बेटा, सेम क्वेश्चन था. यस सर, वो इंग्लिश के एटमॉस्फेयर होने के बाद जैसे कि हम पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनते हैं और प्लस वो प्लस न्यूज़ वगैरह भी इंग्लिश में देखते हैं, एटमॉस्फेयर होने के बाद भी वो क्विक सेंटेंस फॉर्मेशन जो नहीं दिमाग से निकलता नहीं और थोड़ा फंबल करते हैं. वेरी गुड. नाउ नाइस क्वेश्चन, बिकॉज़ यू हैव रिसेंटली जॉइंड. जब आप यहां के माहौल में 3-4 महीने लगातार 3-4 मंथ्स कंटीन्यूअसली व्हेन यू विल बी इन्वॉल्वड, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज. बट ये जो हैबिट है आपकी इंग्लिश सीरीज, वेब सीरीज, मूवीज, सॉन्ग्स, ये छोड़ना मत कभी, समझ रहे हैं? कभी छोड़ना नहीं. यस बेटा. सर सेम थिंग, आई आल्सो वांट टू से दैट आई रीड न्यूज़पेपर आल्सो, आई लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एंड आई आल्सो लिसन टू सम मूवीज व्हिच इन इंग्लिश एंड इंग्लिश न्यूज़ आल्सो, बट देन आल्सो व्हाई आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस इट. आई टेल यू, वंस यू एंटर इनटू अ ग्रुप डिस्कशन लाइक दिस, इट टेक्स टाइम. एंड हाउ कैन यू जज योरसेल्फ? क्या आपने अभी कोई प्राइवेट इंटरव्यू दिया? क्या आपने कोई प्राइवेट जगह जाके अपनी हार देखी? नहीं. सो हाउ कैन यू से दैट एंड यू आर स्पीकिंग वेरी वेल इन द क्लास, कीप गोइंग लाइक दिस. यस बेटा. सर मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस में बहुत लोग व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक व्यक्ति ने हमसे ये प्रश्न किया कि बिजनेस की मीनिंग क्या होती है, मेन मीनिंग क्या होती है. सर मैं वो जानना चाहता हूं मेन मीनिंग. चलो ये तो तुमने कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा. द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज दैट, ये मेरी सिंपल भाषा में है, द डे यू स्टॉप investing your mind and your team starts investing their mind, that is called business. और business की एक और परिभाषा है कि अगर आप 10 दिन के लिए बुखार में भी पड़ गए तो कोई और शटर खोल के उसको चला सकता है, ये होता है business. अमित बेटा. yes, sir, मेरी grammar तो काफी अच्छी ठीक ठाक है सर, बट वो English speaking में sentence बनाना और बोलना में बोलने में बहुत दिक्कत होती है. बोलने में बहुत दिक्कत होती है, grammar का फायदा उठा के English speaking में लेके आओ. आपने कहा grammar बहुत ठीक ठाक है, नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, उसी ग्रामर का फायदा से इंग्लिश स्पीकिंग सीखो. थैंक यू सो मच.